गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इवनिंग। ठीक है, बाकी बच्चे ज्वाइन करते तब तक ये ट्राई करो। इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ, वेन डायग्राम का यूज करते हुए करो। और इस वेन डायग्राम को 4 हिस्सों में बांट दो। ये वाला ओनली ए वाला ए, ओनली बी वाले को बी बोल दो, इंटरसेक्शन को सी बोल दो, और नाइदर ए नॉर बी को डी बोल दो। ये पूरा जो बॉक्स है उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इस कॉन्सेप्ट, इसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर डिस्कस करते हैं। तब तक बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। करो ट्राई, वो बताओ आंसर कितना आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन इससे थोड़ा आसान शायद हो जाएगा। करो ट्राई। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की मदद से भी आसानी से किया जा सकता है, तो वो ही मैं सिखा रहा हूँ। वेन डायग्राम में दो सेट कंसीडर किए, सेट ए सेट बी, और इसको पूरे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ए मतलब ओनली ए, सी मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, बी मतलब ओनली बी, और ये बाहर वाले रीजन को डी बोल दिया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इन सबका एडिशन कितना होगा? 1 वन। हाँ, ये मैंने इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, इन सबकी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होगा? 1 होगा, यस सर। है ना? वेरी गुड। अच्छा, हम देखो सबसे पहले गिवन डेटा उतारते ढंग से। पी ऑफ ए बार दिया हुआ है 0.3, तो मुझे बताओ ए बार में कौन कौन सी चीज आएगी। ए बी सी डी में से क्या क्या आएगा ए बार, डी है ना? ए को छोड़ के सब कुछ, तो बी प्लस डी, यस यस सर। ये इक्वेशन नंबर टू। ये इक्वेशन नंबर वन। -C भी होगा साथ में। सी क्यों होगा माइनस? ए बार मतलब ए को छोड़ के सब कुछ ना। ये जो बी मैंने बोला, ये कौन सा ओनली बी वाला रीजन है? ये पूरा बी थोड़ी, पूरा बी होता तो ब्रैकेट के बाहर लिखता है। ये बी कौन सा है? ये वाला रीजन। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ये ओनली बोला तो था मैंने, ये ओनली बी, ये पूरे हिस्से को मैंने 4 पार्ट में दिया। ये ए मतलब ओनली ए, ए मतलब ओनली ए वाला रीजन, और सी मतलब इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। और डी मतलब बार वाला रीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वेन डायग्राम का यूज करो अच्छे से। ये ए का, अगर मैं ए बोलूंगा, ए पूरा ए सर्कल, ए क्या हो जाएगा? ए प्लस सी, बी मतलब बी प्लस सी, ठीक है? और यूनियन मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यूनियन में क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बार मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, तो ए को छोड़ के कौन कौन रीजन आएगा? बी ओ डी। पी ऑफ बी इक्वल टू 0.4, बताओ इसमें क्या आएगा? पी ऑफ बी में बी बताओ। अरे B-C। फिर गड़बड़ कर रहे हो। बी मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सर्कल ना, बी सर्कल में क्या क्या आ रहा B+C। है? बी में प्रोबेबिलिटी बी मतलब पूरा बी सर्कल आएगा ना, यस आया ना? सर। नहीं समझ में आ रहा है? यस आ गया सर। देखो, ये जो वेन डायग्राम हम बनाते हैं ना, इसको आप ही समझो। ये मान लो सेट ए है,
ये सेट बी है, इसको मैं चार हिस्सों में डिवाइड किया, ये स्मॉल ए, स्मॉल ए मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन को स्मॉल ए बोल दिया, क्लियर है? Yes, है ना? sir. ये वाला जो रीजन है स्मॉल बी, मतलब ओनली बी, ओनली बी वाला पोर्शन है स्मॉल बी हो गया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट सी हो गया जिसमें दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, और जो बाहर वाला रीजन है जिसमें नाइदर ए नॉर बी आ रहा है, ये बाहर वाले रीजन को अपन ने बोल दिया डी, क्या बोल दिया? डी, स्मॉल डी, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूरा बॉक्स कवर कर रहा है, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वन। अगर मैं पूछूंगा बताओ बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए की प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आएगा? ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए का पूरा सर्कल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या आएगा? बी प्लस सी, बी प्लस सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा? सी, ए यूनियन बी, ए प्लस, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना? यस सर। इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन सी, सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार में क्या आएगा सर? डी, डी। समझ रहे? यूनियन को छोड़ के बचा हुआ रीजन क्या डी है? यस सर। अब समझ में आ गया? Yes, ये दो चीजें की बनती। तीसरी चीज 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार, बताओ क्या आएगा ए बी सी डी में से ए का इंटरसेक्शन बी बार के साथ? सर ए, ए प्लस सी, और बी बार को हटा दोगे तो ए ही तो बचेगा। यस सर। है ना, ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ए वाला रीजन ये है, बी बार मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ओनली ए। अब ए पता है, बी प्लस डी पता है, बी प्लस सी पता था, जैसे यहाँ पे मानो बी प्लस सी रखोगे तो ए प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें ए रखोगे तो डी आ जाएगा, बी प्लस सी यहाँ रखोगे, जैसे बी प्लस डी रखोगे तो ए प्लस सी आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब इन चार इक्वेशन से ए बी सी डी आ जाएंगे। चारों इक्वेशन में से क्या निकाल लोगे ना, ए बी सी डी, जैसे कैसे रखोगे? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में रखेंगे, वन एंड टू, वन एंड टू को बी प्लस डी की वैल्यू रखोगे, बी प्लस डी तो ए प्लस सी आ जाएगा कितना? वन। सर ए प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? वन माइनस 0.3, ए की वैल्यू 0.5 प्लस सी इक्वल टू 0.7, तो सी कितना आ जाएगा? 0.2। फिर फर्स्ट और थर्ड की मदद से, फर्स्ट और थर्ड, तो ए बी प्लस सी रखोगे तो क्या बचेगा? ए प्लस डी इक्वल टू वन, सॉरी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस डी कितना, तो वन माइनस 0.4 है ना? यस सर। तो यहाँ से डी आ जाएगा 0.6 माइनस 0.5 0.1, तो डी आ जाएगा 0.1। डी पता है तो डी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 0.1, तो बी आ जाएगा 0.2। यस सर। तो सारी चीज आ गई। यस सर। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी बार हैज अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता था? ऊपर क्या आता था? इन दोनों का इंटरसेक्शन। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी, ई ऊपर वाले का नीचे का सेकंड इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन नीचे वाला पार्ट बी बार, है ना? और नीचे क्या आता था? नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन आ रहता था नीचे, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर आता था ना, p p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b, है ना? यस सर। यस सर। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b का फार्मूला क्या सिखाया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। प्रोबेबिलिटी सुबह बताया था। तो अब आपको थोड़ा सा ये सोचना होगा कि b इंटरसेक्शन A union B bar, ये क्या आएगा? कौन सा रीजन आएगा A B C D में से? सोचो आराम से। B का इंटरसेक्शन लेना है A union B bar से, A B लेना है और B bar का भी B के साथ इंटरसेक्शन,
अच्छा ए यूनियन बी बार क्या आएगा पहले वो सोच, तो अपना आप आइडिया लग जाएगा, पहले इसका बारे में सोचो। ए यूनियन बी बार में क्या क्या आएगा, ए तो आएगा इसी, बी बार भी आएगा, ए तो आएगा इसी, बी बार भी आएगा, बी बार मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, ए वाला आ रहा है और बी को छोड़ के सब कुछ आ रहा है, तो जब इस बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कॉमन पार्ट ही आएगा सिर्फ। यस सर, लॉजिकली समझ में आया। देखो ए यूनियन बी मतलब ए को तो लेना ही है और बी को छोड़ के सब कुछ, तो ए को लेना और बी को छोड़ के सब कुछ, तो जब उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कॉमन पार्टी बचेगा सिर्फ। यस सर। और ए यूनियन बी बार में क्या क्या आएगा, ए को लेना ही है और बी को छोड़ के सब कुछ, तो ए को लेना है तो ए प्लस सी तो रहेगा इसे, यूनियन बी को छोड़ के सब कुछ, तो ए सी और डी, तो डी भी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। देख लो अच्छे से, ये वेन डायग्राम का यूज किया है, वेन डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं हो तो, ये तो सब वेन डायग्राम में सिखाया जाता है सेट्स में। क्लियर है ना? ए यूनियन बी बार क्या होगा पहले वो उसको शेड कर लेना, बी के साथ उसका इंटरसेक्शन शेड कर लेना, देख लेना कॉमन पार्ट क्या, वो लिखा नीचे ए यूनियन बी बार लिख दिया, अब इनकी वैल्यू पुट अप कर दोगे आंसर आ जाएगा। यस सर। निकालो कितना, एक बार चेक कर लेंगे। 1/4। A plus C plus D कैसा है एक बार बता दीजिए। A plus C plus D, देखो ये है क्या, A union B bar, A union B bar मतलब B को छोड़ के सब कुछ, only B को छोड़ के सब कुछ। देखो देखो यही बता देता हूँ, वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करो अगर जिसको वेन डायग्राम में दिक्कत है तो। A union B bar, union मतलब क्या होता है, ये भी लेना ये भी लेना है। yes, बस ये ए है मान लो, ये बी है, अब ए रीजन कौन सा है, ए वाला रीजन, तो ए वाला शेड कर दिया, और बी बार, बी बार मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, तो बी के अलावा सब शेड कर दिया। क्लियर है? यस सर। अब इन दोनों का यूनियन लेना, तो यूनियन लेना मतलब ये 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 सब आ जाएगा बस इसको छोड़ के, अब आगे समझ में, तो क्या आएगा बस ये बी वाले पार्ट को छोड़ के, तो ए प्लस सी प्लस डी। क्लियर है? यस सर। अरे बोलो हाँ है ना, क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक। अब देखो इसको पढ़े, इसको पहले अपन क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप पहले बिना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन लिख लो, लिखना हो तो शॉर्ट में लिख लो क्वेश्चन को, एक बॉक्स के अंदर 20 बॉल्स है। एट रेड 12 ब्लू, थ्री बॉल्स आर टेकन आउट वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, पहली बॉल निकाली उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरी yes, निकाली दोनों को साइड में रख दिया, फिर तीसरी बॉल निकाली, एक एक करके, समझ में आ रहा है? पहले एक बॉल yes, निकाली, दूसरी बॉल निकाली, फिर तीसरी बॉल निकाली, एक एक करके, पहले एक बॉल निकाली फिर उसको साइड में रख दिया, फिर बॉक्स के अंदर से दूसरी बॉल निकाली, फिर बॉक्स के अंदर से तीसरी बॉल निकाली, ये एक्सपेरिमेंट किया गया। आपको निकालना प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड आर ब्लू, ये पहली वाली भी ब्लू आए, सेकंड वाली भी ब्लू आए, और थर्ड वाली क्या आ जाए, रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछा गया। क्लियर है? यस सर। फंडामेंटल जो बचपन में करते थे, पहली बॉल ब्लू आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फंडामेंटल बताओ, पहली ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी ब्लू कितनी है, तो फिर देखो मैं गलत बोलू तो हाँ मत करा करो, पहली ब्लू बॉल निकले तो फेवरेबल कितने 12, टोटल कितने 20, समझ में आ गया, तो उस ब्लू बॉल निकाली साइड में रहती है, अब दूसरी बार भी ब्लू आया उसकी प्रोबेबिलिटी
तो 11 बाय 11 बाय 11 बाय 19 एक ऑलरेडी जा चुकी है. अब तीसरी वाली रेड आए 8 by 8 मतलब फर्स्ट बॉल इज ब्लू, इवेंट बी मतलब सेकेंड बॉल इज ब्लू, इवेंट सी मतलब थर्ड बॉल इज रेड. क्लियर है? और yes, आपको, sir. और आपको पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, है ना, कि ये भी है, ये भी और ये भी है. इसको अप्लाई कैसे किया, सुनो ध्यान से. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहले निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए एंड बी हैज अकर्ड. देखो यही तो हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए ऑलरेडी हो चुका था यहाँ पे 19 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए और बी अगर हो चुका था यहाँ पे 18 आ जाएगा, है ना. यस सर, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. एक्चुअली ए की प्रोबेबिलिटी मतलब फर्स्ट बॉल ब्लू की प्रोबेबिलिटी 12 बाय 24 आएगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज अकर्ड, अगर मान लो ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी आने की प्रोबेबिलिटी वापस यही आएगा. ठीक है, तो इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर. अभी आया कैसे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आया. ठीक है, देखो ध्यान से, अभी आपको मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी ए स्लैश बी, इसका फॉर्मूला सीखा था अपन ने, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आया ना. यस सर. तो यहां से ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए बी है सकर्ड, है ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये जो रिजल्ट आया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. तो जब भी आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो आप कैसे करोगे, या फिर बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन पी या बी इंटरसेक्शन है, पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए बी है सकर्ड. समझ आ रहा है? इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी ए है सकर्ड, है ना, ए मान लो हो चुका है. क्लियर है? यस सर. तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है, P of B intersection A या A intersection B equal to P of A multiply by P of, देखो A हो चुका है, अब क्या लिखोगे, B A है सकर्ड, A already हो चुका है, फिर उसके बाद multiply, तीन आ जाएंगे अगर मान लो, तो एक एक करके सबका लिखोगे, सबसे पहले P of A multiply by A हो गया, अब किसकी बारी, B की बारी, A हो चुका है, फिर किसकी बारी, C की बारी, A और B दोनों हो चुके. क्लियर है? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम. लेकिन आप ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पहले भी अप्लाई करते थे, है ना, बिना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के भी. क्लियर हो रही बात? Yes, sir. Okay, ध्यान रखना. अच्छा, जनरली ये वाले केसेस कब बनेंगे, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे रिप्लेसमेंट वाले, कि एक बॉल निकाली फिर उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली फिर उसको साइड में रख दिया, फिर तीसरी बॉल निकाली, मतलब अगला इवेंट पिछले वाले पे डिपेंडेंट हो रहा, तभी ये केसेस बन रहे. आगे वाला इवेंट पिछले वाले पे जब डिपेंड कर रहा है, इस केसेस में अपने ये केसेस बन रहे, तब उस केस में अपन जब भी इंटरसेक्शन पूछे तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में आप सोचो. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. ओके, अच्छा ऐसे कितने बच्चे जो सुबह एब्सेंट थे, हैंड रेज करना एक बार, सुबह मतलब 1 बजे वाली क्लास में. और एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो जो बच्चे एब्सेंट थे मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का सेशन है. अब आप देखो, अब ये तो अटेंड करना ही से पूरा कोशिश करना समझने की, क्योंकि अभी चीजें थोड़ी नई आएगी, उसका पुराने से इतना ज्यादा संबंध नहीं है, तो बीच में लेक्चर मत छोड़ना पहली बात, नहीं तो फिर ये लेक्चर भी मिस हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है. अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो पूरा 12th के बेसिस पे, जो पूरे बोर्ड्स में भी जिसके क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, और जेई में तो आएगा इसी, तो अभी आप लोग ये लेक्चर छोड़ना मत, और जो लेक्चर दोपहर वाला छूटा है उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना. क्लियर है?
बोलो ये प्रॉब्लम, ये ओके तो सर, रिकॉर्डिंग्स कहाँ पर मिलेंगी? रिकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, दोनों सेशन की कल तक करूंगा। ओके सर। हाँ तब तक तो ये वाला भी समझो अच्छे से। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है और इसके पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या था, जो बच्चे एब्सेंट है सुन लो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि मान लो एक की प्रोबेबिलिटी निकालना, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब कोई इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला आप याद रख लेना अभी के लिए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड, ये डिनोट करने का तरीका होता है पी ऑफ ए बाय बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है? इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक जब मान लो किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी, दूसरा इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, इसी से अपने पास मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए बी हैज अकर्ड, सॉरी पी ऑफ बी ए हैज अकर्ड, है ना, या फिर यस पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए बी हैज अकर्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला ये है, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसका फॉर्मूला ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको वापिस से। 10 कार्ड्स आ रहे थे यार, आउट ऑफ दिस 5 आर आई, और 5 टी है उनके ऊपर प्रिंटेड है। इसमें से 3 कार्ड आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कीपिंग इन द सेम ऑर्डर। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट एंड केप्ट इन द सेम ऑर्डर, इसका मतलब क्या ये समझो पहले। मतलब समझाओ, क्वेश्चन का मतलब समझाओ ना, ये क्या मतलब है इसका, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट कैपिंग इन द सेम ऑर्डर का मतलब। जैसे वैसे निकालते गए वैसे वैसे सेम ऑर्डर में रखना है। हाँ मतलब उसको रैंडम नहीं रखना, पहला कार्ड निकाला इसको यहाँ रखा, पहले तो क्या बॉल थी ना, तो बॉल तो ठीक है, पहला कार्ड निकाला उसको यहाँ रख दिया, दूसरा कार्ड निकाला इसको यहाँ रखा, तीसरा कार्ड निकाला उसको यहाँ रखा, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं किया यहाँ पे, है ना, क्लियर है, यस। ऑर्डर चेंज नहीं किया बोला तो। अच्छा तो बोला प्रोबेबिलिटी बताओ कि फर्स्ट पे आई आए, सेकंड पे भी आई आए, और थर्ड पे टी आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, तो वापस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो जाएगा। तो यस सर। पहली बार आई आने की प्रोबेबिलिटी 5 बाय 10। 5 बाय 10। 5 बाय 10। दूसरी बार आई आने की प्रोबेबिलिटी 4 बाय 9। 4 बाय 9। तीसरी बार टी आने की प्रोबेबिलिटी 5 बाय 8। 5 बाय 8। 5 बाय 8। क्लियर है? यस यस सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे सिर्फ ये बोला होता है कि मान लो ये नहीं बोला होता कि सेम इन द केप्ट ऑर्डर, उसी बोला है 3 कार्ड आर ड्रॉन एट रेंडम, अगर क्वेश्चन ये होता, सुनना ध्यान से क्वेश्चन ये समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब बोला होता कि मान लो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम, ठीक है, 1 मिनट, इसमें ऑलरेडी दे दिया, यहाँ पे इसी का पार्ट होता क्या कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन रेंडमली, मतलब एक एक करके 3 कार्ड निकाल लिए और रख दिए, ये नहीं बोला कि ऑर्डर में रखे, और आपसे अब पूछा होता अब बताओ आईआईटी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, या फिर नहीं, सॉरी ऐसा नहीं पूछा था, आईआईटी तो अगर आईआईटी बोलता तो फिर सीक्वेंस मैटर करता, बोलता कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम, पूछता फिर आपको कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आई एंड 1 टी। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझना है, पिछली बार ऑर्डर इंपॉर्टेंट था कि पहले आई, दूसरी बार आई, फिर तीसरी बार टी, इस बार क्या बोला कि मान लो 3 कार्ड ड्रॉन किए रेंडमली, और 2 आई और 1 बार टी आए, उन 3 कार्ड में से कोई भी 2 आई आ जाए और 1 टी आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ आया? यस सर। पिछले क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर कर रहा था कि मेरा पहला आई आना चाहिए, दूसरा भी आई आना चाहिए, तीसरा भी टी आना चाहिए, तो उसको मैंने उसके हिसाब से किया,
अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, बोले कि तीन कार्ड रैंडम नहीं निकाली एक एक करके, पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला फिर तीसरा निकाला, उसमें से दो आई आ जाए एक टी आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछा गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। 5C 2 into 5C 1 देखो टोटल टोटल कितना हो जाएगा, तीन कार्ड निकालने के तरीके 10 में से तीन निकालने 10C 3 10 में से तीन कार्ड निकालने का तरीके सुबह बताया था कि 10 में से तीन कार्ड को सिलेक्ट करने का तरीका, ये तो हो गया टोटल। अब फेवरेबल क्या होगा, कितने आई चाहिए 5C 2 मल्टीप्लाई बाय 5C में, ये सुबह बताया था। यस सर Yes, sir. दोनों क्वेश्चन में अंतर है, यहाँ पे देखो ऑर्डर मैटर कर रहा था कि IIT वो पिछले में भी ऑर्डर मैटर कर रहा था कि पहली ब्लू दूसरी ब्लू तीसरी रेड, तो अपन ने ये तरीका अपनाया, दोनों क्वेश्चन में अंतर जरूर समझ लेना। ये क्वेश्चन हमने सुबह किए थे, यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था, आपको सिर्फ दो आई और एक टी चाहिए, तो आपने क्या 5C2 × 5C1 / 10C3, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा था तो पहले फर्स्ट का देखा फिर दूसरे का देखा फिर तीसरे का देखा, ठीक है ध्यान रखना, क्लियर है। सर एक बार दोबारा लास्ट वाला बता दीजिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली था रैंडमली कि भाई तीन कार्ड निकाले दो आई और एक टी चाहिए, तो दो आई सिलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे, आई कितने अवेलेबल है 5, सुबह कराया था ना कि मान लो तीन रेड है तीन में, या फिर वो वाला क्वेश्चन था कि 8 वुमेन में से 2 वुमेन सिलेक्ट करनी, तो 8C2 और 2 मैन होने चाहिए तो 5C2, तो ऊपर पहले वुमेन और मैन का अलग अलग सीन किया था, यहाँ पे भी सेम क्या है कि 5 टी है, 5 में से 2 आई सिलेक्ट करने के तरीके 5C2, 5 टी में से 1 टी सिलेक्ट करने का तरीका 5C1, तो फेवरेबल आउटकम होगा, टोटल आउटकम क्या कि तीन कार्ड को सिलेक्ट करना तो 10C3। ओके सर। ओके एक मिनट, सुबह बताया था मैंने, शायद स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था ये वाला, 10 मैन 8 वुमेन थे, तीन की तीन पर्सन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, याद आ रहा है, फाइंड द कमिटी ऑफ 2 मैन एंड 1 वुमेन, तो ऐसे किया था। यस ये वाला मैं बता रहा था कि टोटल तरीके क्या थे 18C3 और फेवरेबल क्या थे, 2 मैन के 10C2 1 वुमेन का 8C1, क्लियर है सबको। और यहाँ पे क्या था मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ऑर्डर मैटर कर रहा था, तो ऑर्डर मैटर करेगा तो ऐसे करेंगे, इन दो इस दोनों में अंतर बहुत सी बार लोगों को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने आपको साथ में बता दिया। चलो अब ये कौन सा क्वेश्चन, हाँ इसको एक बार शांति से ट्राई करो, क्लास पूरी अटेंड करना, बीच में मत छोड़ना, नहीं तो पूरा चैप्टर उड़ जाएगा ऊपर से।
सर म्यूट है आप। सर आपका माइक ऑफ है। चलो तो ये क्वेश्चन मिलके करते हैं, आप लोग तरीका बताना क्या तरीका होगा, क्या आंसर आ रहा है। चलो सुनना ध्यान से। अ बैग कंटेन एट व्हाइट एंड फोर ब्लैक बॉल, बॉल आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, एक एक करके बॉल निकाले। अब कितनी बॉल निकाली ये नहीं बोला गया, कब तक निकाली, टिल ऑल ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन, मतलब जब तक चारों के चारों ब्लैक बॉल बाहर ना आ जाए तब तक निकालते है ना, जैसे चौथी ब्लैक बॉल आएगी हम स्टॉप हो जाएंगे। क्वेश्चन समझ आया आपने, मतलब यस बॉल सर। निकाली पहले व्हाइट निकली फिर ब्लैक निकली फिर व्हाइट निकली फिर ब्लैक निकली, जैसे आपकी फोर्थ ब्लैक बॉल आ जाएगी हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, टिल चारों के चारों ब्लैक बॉल बाहर ना आ जाए, B1, B2, B3, B4, इसके पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे चौथी चारों के चारों ब्लैक बॉल आ गई बाहर हम स्टॉप हो जाएंगे। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोसीजर ऑफ बॉल ड्राइंग कम्स टू द एंड आफ्टर द सिक्स्थ ड्रॉ, मतलब ये जो प्रोसीजर है ये छठे ड्रॉ में एंड हो जाए, एक दो तीन, मतलब इसके पहले दो और हो जाए, मतलब कम से कम इसके पहले पांच ड्रॉ हो जाए, है ना, बोलो। यस सर। और ये सिक्स्थ ड्रॉ में आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाना चाहिए, मतलब आपने पांच बॉल ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो, और छठी बॉल क्या आनी चाहिए, स्टॉप कब होगा, जब छठी बॉल क्या है, चौथी ब्लैक बॉल आ जाए। क्वेश्चन यस सर। समझ में आया, तो इसका मतलब इसके पहले जो पांच ड्रॉ होगा उसमें कितनी ब्लैक होनी चाहिए, तीन सर थ्री ब्लैक ऑन चाहिए सर, थ्री ब्लैक, और पांच में से तीन ब्लैक तो बची हुई दो व्हाइट, यस सर, दो व्हाइट, यस सर। है ना, तो इस मतलब इस यहाँ चौथी वाली कंपलसरी, मुझे छठा ड्रॉ है उसको कंपलसरी मुझे फोर्थ ब्लैक बॉल चाहिए, वहां पे मेरा स्टॉप हो जाएगा। तो छठे ड्रॉ में अगर स्टॉप करना, मतलब इसके पांच वाले में कम से कम तीन ब्लैक आनी चाहिए ताकि छठे वाले पे चौथी ब्लैक आ जाए, और अगर तीन ब्लैक आ गई तो बची हुई दो व्हाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन सुन रहा, यस सर। यस सर। चलो अब ट्राई करो, बताओ आंसर कितना है, मैं 15 सेकेंड और दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने समझाया, अब एक बार सोचो कि इसको करने का तरीका क्या होगा, लॉजिकली सोचो कि ये जो काम करना है मुझे दो पार्ट में करना है, तो पहले स्टार्टिंग का सोचना है पांच बॉल को ड्रॉ करने का क्या तरीका, फिर छठी के लिए सोचना, पहले इसका निकालो इस काम को करने के क्या तरीके होंगे और फिर इस काम को करने के क्या तरीके। चलो बताओ, ये शुरू की जो पहले पांच बॉल ड्रॉ निकलेगी इसमें से तीन ब्लैक दो व्हाइट होनी चाहिए, तो पांच में से ये शुरू की पांच बॉल निकाली इसमें से तीन ब्लैक दो व्हाइट निकालने के तरीके बताओ, बोलो। ये तो वो क्वेश्चन हो गया ना अभी की, अपन ने आपके पास टोटल बॉल कितनी 12 बॉल है, 12 में से पांच बॉल निकाली मान लो, उसमें से तीन ब्लैक दो व्हाइट होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल बताओ कितना होगा तीन ब्लैक के, फोर सी 4C3, फोर सी थ्री, तीन ब्लैक की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 4C3, एंड टू टू व्हाइट, टू व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 8C2, 8C2, ये तो सुबह बताया था ना, इस बॉक्स में से पांच ट्वेल्व बॉल ड्रॉ कर इसमें से तीन ब्लैक दो व्हाइट, अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सी फाइव 12C5, 12C5, टोटल बॉल 12 थी उसमें से पांच बॉल ड्रॉ करी, ये बोल समझ में आया कि नहीं। यस क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन को तोड़ दो कोई हिस्सों में, फिर एक एक हिस्सा सॉल्व करो। अब लास्ट पार्ट क्या बचा, ये तो पांच बॉल हो गई और अब छठी बॉल भी ड्रॉ करनी, एंड तो सिक्स्थ बॉल आपकी कौन सी आनी चाहिए, ब्लैक आनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल कितने बचे, ब्लैक कितनी बची है, अब एक बच्ची एक ही तो बची है क्योंकि तीन तो ऑलरेडी निकल चुकी, और टोटल बॉल कितनी बची है बॉक्स में, ये जब इवेंट करेंगे तब कितनी बॉल, सेवन 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 सेवन, पांच ऑलरेडी निकल चुकी है बॉक्स में, कितनी बॉल है सेवन, उसमें से ब्लैक वाली फेवरेबल कितनी, एक ही तो ब्लैक है। यस यस सर। तो क्वेश्चन टफ था, लेकिन अगर इसे स्टेप्स में डायग्राम बना के तोड़ोगे ना, क्वेश्चन
क्वेश्चन आसान दिखेगा। क्या बोला गया था कि छठी बार में चौथी ब्लैक बॉल आए, तो उसके पहले बॉल में तीन ब्लैक दो व्हाइट आनी चाहिए। तो अब इसको क्वेश्चन को आधा हिस्सा को देखो कि भाई मेरे पास 12 बॉल है, 12 में से 5 बॉल सिलेक्ट करी, उसमें से 3 ब्लैक 2 व्हाइट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि 5 बॉल सिलेक्ट करने का तरीका 3 ब्लैक 2 व्हाइट, तो 3 ब्लैक का क्या तरीका होगा 4c3, 2 व्हाइट का तरीका 8c2, टोटल तरीके 12c5। ये काम हो चुका है। अब बॉक्स के अंदर क्या बताओ, ये बॉल अपने साइड पे रख दी है, अब बॉक्स के अंदर कितनी 7 बॉल बची है, उन 7 में से 1 ब्लैक है और 6 व्हाइट बची है। अब ये नया क्वेश्चन होगा, एक बॉक्स जिसके अंदर एक ब्लैक और 6 व्हाइट है, तो एक ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/7। यस यस सर। अब तक समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसको क्या बोलोगे, डिपेंडेंट इवेंट की इंडिपेंडेंट इवेंट, आपस में जो इवेंट्स हैं डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट अब इंडिपेंडेंट कब होगा, जैसे मान लो ये हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, ए हैज अकर्ड, तो यहाँ पे जो बी है is depending on a, yes sir, yes, sir. है ना, तो यहाँ पे जो b है वो a पे depend कर रहा है, क्योंकि a के होने के बाद फिर b क्या होगा वो हम निकालेंगे, तो b यहाँ पे dependent event है। independent का मतलब क्या होगा कि जब मैं second event करूँ तो पिछले वाले पे depend ना करे, हाँ है ना, yes sir, ऐसे event को हम बोलेंगे independent। अब इसका example के तौर पे समझो, कि मान लो आपके पास एक box है, उसके अंदर 3 white ball है और 2 येलो बॉल है, 4 येलो मान लो, चलो आपने बोला क्वेश्चन में कि इसमें से मैं 2 बॉल्स ड्रॉ करता हूं विद रिप्लेसमेंट, पिछली बार क्या था विदाउट रिप्लेसमेंट, इस बार क्या बोल रहा हूं विद रिप्लेसमेंट, और पूछ रहा हूं टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट एंड सेकेंड इज येल्लो, तो पहली बार व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7। अब वो बॉल निकाली, व्हाइट आ गई वापिस, सर हाँ सर, ये जो पी ब्रैकेट में ए और बी है, ये रेशियो वाला है या फिर डिवाइड वाला है? नहीं अरे अभी उसको क्या सोच रहे हो, वो मैंने बताया क्या अभी, कुछ मैं ये बता रहा हूँ इस पे ध्यान, अभी वो तो मैंने कुछ बोला ही नहीं ना उसके बारे में, पहले इस पे ध्यान दो यहाँ पे जो समझा रहा हूँ मैं अभी, जो मैंने पता ही नहीं उस पर भी आप क्यों ध्यान दे रहे हो, पहले इधर ध्यान दो, एक बॉक्स के अंदर 3 व्हाइट 4 येलो है, 2 बॉल आप निकाल रहे हो विद विद रिप्लेसमेंट, अरे बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस विद रिप्लेसमेंट, पहली बॉल निकाली उसको देखा वापस अंदर रख दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक बॉल निकाल के साइड में रख दिया फिर दूसरी बॉल निकालने के, या विद रिप्लेसमेंट में पहली बॉल निकाली उसको अंदर रख के फिर दूसरी, अब जब मैं दूसरी बॉल निकालूंगा तो क्या पिछली वाली पे डिपेंड करेगी? नो सर। नो सर। अभी भी टोटल बॉल 7 है और येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/7, आ रही बात समझ में, तो ये क्या होगा इंडिपेंडेंट, मतलब अगला इवेंट जो हम कर रहे हैं अगर वो पिछले वाले पे डिपेंडेंट नहीं है तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। क्लियर है? यस सर। यस। इंडिपेंडेंट इवेंट की पहचान क्या होगी, जब उसके लिए आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय, अब डायरेक्टली लिखूंगा पी ऑफ बी, इस बार मैं ये नहीं लिखूंगा ए एज अकर्ड, क्यों, क्योंकि वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहे, जब डिपेंड कर रहा तो मैं क्या बोलता था, ए एस अकर्ड, पिछले बार डिपेंडेंट क्या बोलते थे, ए एस अकर्ड, इस बार डायरेक्टली क्या बोलेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट की पहचान है। अगर दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट अगर आपको चेक करना है, दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट आपको चेक करना, तो आपको ये देखना होगा कि क्या उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं मतलब इवेंट कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, समझा रहा है, तो P of A intersection B क्या हो जाएगा, P of A multiply by P of B, पिछली बार फॉर्मूले में क्या था, P of B given A has occurred, आया ना, वो डिपेंडेंट के केस में था, लेकिन इस बार डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली क्या लिख दोगे, P of A multiply by P of B, क्लियर? यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये भूल जाओ, इसका कहने का मतलब क्या था कि जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड, अब ए को बी के होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं,
तो इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, पी ऑफ ए के बराबर ही, क्योंकि उसका बी के होने या न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पी ऑफ ए के बराबर ही होगा, क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस इतना ध्यान रखो। भले ये भी याद नहीं हो तो चलेगा, ये ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ओके सर। अच्छा एक चीज और नोट याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में काम आता था, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगर ए और बी दो इवेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, आ रही बात समझ में? यस सर। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जेड वन 2013 में। तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन इज सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब कम से कम एक इंसान तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चार लोग हैं, चारों को मैंने बोर्ड पे प्रॉब्लम दे दिया और चारों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, कोई क्या, अब जब मान लो चार लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे? और चीटिंग वीटिंग केस अलग छोड़ दो, मतलब चारों को अलग अलग बेंच मानो मैंने बिठा दिया, चीटिंग भी करने नहीं दे रहा, तो वो चारों पर्सन इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, है ना? यस सर। चारों पर्सन के क्वेश्चन की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, अब पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम एक दो जना सॉल्व कर दे। अब ये एटलीस्ट वाला केस है, मैंने बताया था एक तरीका, एटलीस्ट वाले केस में आप क्या अपना सकते हो? टोटल में से नो सॉल्व द क्वेश्चन कट, हां टोटल में से वो माइनस कर दे जिसने एक भी सॉल्व ना करा हो। यस सर। देखो इस वाले बहुत सारे केस बन जाएंगे, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है कि मान लो ए ने करा, बी सी डी ने नहीं किया, ए और बी ने कर लिया, सी ओ डी ने नहीं किया, बी और सी ने कर लिया, ए ओ डी ने नहीं किया, तो वो सारे केसेस को ऐड करना पड़ेगा, लेंथी जाएगा। मतलब ए बार इंटू बी बार इंटू बी, ए भी सॉल्व ना करे, बी भी सॉल्व ना करे, सी भी सॉल्व ना करे और डी भी सॉल्व ना करे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और सब इंडिपेंडेंट है तो आपस में सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी चीजें। Yes, sir. ए प्रोबेबिलिटी दे ए सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/2, तो ए ना सॉल्व कर पाए उसकी भी 1/2 हो जाएगी, 1 - 1/2। बी बार कितना होगा, बी अगर 3/4 है तो बी बार 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/4 और डी 7/9 अगर ए बी सी डी इंडिपेंडेंट है तो उनके बार भी आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, क्लियर है? Yes, yes, डाउट तो नहीं है सर? बोलो बोलो जल्दी बोलो सर, लास्ट स्टेप बता दो सर, 1 - 1/2 वाले जो कहे हैं ना। हाँ
लास्ट स्टेप में ए बार अगर पी ऑफ ए अपन को 1/2 गिवन है, एफ पी ऑफ बी अपन को 3/4 गिवन है, तो बी बार कैसे निकालोगे? 1 माइनस पी ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3/4 दैट इज 1/4। तो कभी भी आपको अगर बार निकालना है तो बार निकालने का तरीका क्या, 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोला था, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। ये क्या था, एबीसीडी मतलब इवेंट ए मतलब ए सॉल्व द प्रॉब्लम, इवेंट बी मतलब बी सॉल्व द प्रॉब्लम, इवेंट सी मतलब सी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, डी मतलब डी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए इसका मतलब क्या है कि ए भी ना करे, बी भी नहीं कर पाए, सी भी नहीं कर पाए और डी भी नहीं कर पाए। इसको छोड़ के मेरे को क्या पूछा, एटलीस्ट वन मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। इसलिए टोटल में से कौन सा माइनस कर दे जो इसके अंदर नहीं आ रहा, इसके अंदर कौन सा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, न्याय समझ में आ गया सर? एक बार दोबारा समझा दो, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट का मतलब समझ माना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे अब अपनी क्लास में मान लो 50 बच्चे या फिर चलो ज्यादा हो जाएगा 5 बच्चे आ रहे, मान लो मेरी एक मान लो मैंने एक बर्थडे पार्टी रखी या फिर मान लो कुछ एक जगह बुलाया बच्चों को ऑफिस में, तो 5 बच्चे आए ऑफिस में, 5 बच्चे मेरी क्लास में मान लो फॉर एग्जांपल। तो उन 5 बच्चों को मैंने बोला कि संडे को टेस्ट है, आपको आना है, ठीक है, संडे को टेस्ट है, उन बच्चों को आने का बुलाया मैंने। तो मैंने पूछा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम कम संडे को टेस्ट को, कम से कम एक जना आ जाए। ये 5 लोग कौन थे, मान लो इनका नाम था ए बी सी डी ई, है ना, तो कम से कम एक जना तो आना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम कम का मतलब है कम से कम एक जना तो आना ही चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे बताओ, नंबर ऑफ वेज जिसमें कोई ना कोई टेस्ट देना है कम से कम एक, तो या तो अकेला ए आ जाए या तो बी आ जाए, है ना, या तो सी या तो डी, चार केस बने। हो सकता है ए और बी दोनों आ जाए, हो सकता है बी सी आ जाए, हो सकता है डी ई आ जाए, हो सकता है ई आ जाए, मतलब दो दो के पेयर आ सकते, हो सकता है ए बी सी आ जाए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो आना चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा आएंगे तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक आना चाहिए, हो सकता है चारों आ जाए, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। इसमें से कौन सा टोटल केस कितने होंगे, इसमें से कौन सा केस नहीं बचा कि कोई भी ना आए? यस सर। इसमें से कौन सा केस नहीं आया, इसमें सारे केस आ गए, एक केस कौन सी रहे, कोई भी नहीं, कोई भी ना आए, कोई भी ना आए। तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, चार लोग थे कम से कम एक जना तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। मैंने क्या बोला था, मैं कुछ किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि कम से कम एक एक बच्चा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तो मुझे किसकी निकालनी है, या तो एक कर ले, या तो दो कर ले, या तो तीन कर ले, या तो चार कर ले, ऐसे सारे का मैं एडिशन कर लू, तो सारे का एडिशन करें, या फिर टोटल टोटल क्या होंगे, या तो एक सॉल्व करेगा, या तो दो सॉल्व करेंगे, या तो तीन सॉल्व करेंगे, या चार सॉल्व करेंगे, या कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। ये 5 टोटल तरीके मान लो, या तो एक एक बच्चा सॉल्व करे, या तो कोई भी दो बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, या तो कोई भी 3 बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, या कोई भी 4 बच्चे, एक एक तरीका क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम ना सॉल्व करे। तो या तो मैं इन चारों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं, या फिर क्या करूं, टोटल में से ये वाली माइनस कर दूं, तो ये बच्ची भी 4 आ जाएगी, टोटल क्या होगी 1, और उसमें से कौन सी माइनस कर दूं जो इसमें नहीं आ रही है। तो एटलीस्ट वन सॉल्व प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक बच्चा सॉल्व करे ही सही, तो इसमें कौन सी वाली केस नहीं आ रहा है कि जिसमें कोई भी बच्चा सॉल्व ना करे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब 1 में से वो वाला केस माइनस कर दे जो इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं आ रहा कि कोई भी बच्चा सॉल्व ना करे। थोड़ा बहुत आया समझ में? यस सर। सुबह भी कराया था एटलीस्ट वाले क्वेश्चन, और एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही तो थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करना इस पर। सुबह 2 क्वेश्चन एटलीस्ट वाले कराए थे, ठीक है, उनको वापस से रीअटेम्प्ट करना। क्लियर हो गया? करो उसको सॉल्व करो।
चलो सुनो ध्यान से, अब बोला है कि व्हेन अ मिसाइल इज फायर फ्रॉम अ शिप प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इंटरसेप्टेड इज 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट मिसाइल हिट्स द टारगेट गिवन दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड। ये अब इसका मतलब क्या है, मान लो ये आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट शिप है और यहाँ पे आप हो, यहां से मान लो मिसाइल फायर करी गई, अब इंटरसेप्ट हो जाए मतलब ये मान लो बीच में जा रही हो, ये बीच में मान लो कोई दूसरी मिसाइल इसको इंटरसेप्ट कर दे, मतलब खत्म कर दे, ये वहां तक पहुंच ही ना पाए, इसका मतलब क्या होता है इंटरसेप्टेड, कि टारगेट तक ना पहुंच पाए। एक तो ये है, वो दूसरा क्या बोला गया कि हिट्स द टारगेट, तो ये टारगेट को हिट कर दे, ये हिट द टारगेट। तो दो चीजें यहाँ पे, मिसाइल गई और मान लो देखो यहां से मिसाइल जाएगी तो कोई ना कोई उसको बचाने के लिए दूसरी मिसाइल भेजेगा, तो या तो वो इंटरसेप्ट हो गया तो इंटरसेप्ट नहीं होगी, अगर इंटरसेप्ट हो गई तो वहीं खत्म हो जाएगी, और इंटरसेप्ट नहीं हुई तो इंटरसेप्ट ना होकर फिर टारगेट को क्या करेगी, हिट करेगी। अब हो सकता है इंटरसेप्ट ना हो, लेकिन उसके बाद भी दो पॉसिबिलिटी है, इसे समझ में आ रहा है। मिसाइल, ये मान लो मिसाइल आपकी, मिसाइल गई, एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इंटरसेप्ट हो जाए, इंटरसेप्ट हो जाए मतलब यहीं पे खत्म हो जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इंटरसेप्ट ना हो और टारगेट को हिट कर जाए, इसी में इसी का तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इंटरसेप्ट ना हो, मान लो दूसरी मिसाइल ने भेजा लेकिन इंटरसेप्ट नहीं, लेकिन टारगेट को भी मिस कर जाए, है ना, ये भी तो हो सकता है। अरे बोलो। यस सर, यस सर। एक तो क्या कि मान लो आपने मिसाइल को यहाँ पे, यहाँ से भेजा मिसाइल को, और बीच में इंटरसेप्ट हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इंटरसेप्ट ना हो और टारगेट को हिट कर जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इंटरसेप्ट ना हो लेकिन टारगेट को हिट ना कर पाए, ये तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है एक मिसाइल की। अब पूछा कहता है कि द थ्री मिसाइल आर फायर इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली बोल दिया गया मतलब एक के बाद तीन मिसाइल को भेजा गया, मान लो मिसाइल वन, मिसाइल टू और मिसाइल थ्री, तीन मिसाइल को भेजा गया इंडिपेंडेंटली, मतलब अगली दो मिसाइल पिछली वाले पे डिपेंडेंट नहीं है। वो प्रोबेबिलिटी क्या पूछी कि तीनों के तीनों टारगेट को हिट करे, तीनों के तीनों टारगेट को क्या करे, हिट करे। तो सबसे पहले इसी एक की निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट मिसाइल हिट द टारगेट। अब मिसाइल टारगेट को हिट कब करेगी, जब वो इंटरसेप्ट ना हो। यस सर, एक तो इंटरसेप्ट नहीं होनी चाहिए और इंटरसेप्ट ना होने के बाद टारगेट को हिट करे। यस सर, यस सर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 1/3। यस सर, प्रोबेबिलिटी इट इज इंटरसेप्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 1/3। तो नॉट इंटरसेप्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/3 और हिट द टारगेट, हिट द टारगेट क्या कितना हो जाएगा, ये दिया है। यस सर, हां, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट इंटरसेप्टेड एंड हिट द टारगेट इज 3/4। क्लियर है, अरे बोलो। यस सर, तो ये कितना आ जाएगा, तीन तीन कट जाएगा, 1/2। तो एक मिसाइल टारगेट को हिट कर जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2, ये पहली मिसाइल की, दूसरी मिसाइल की भी सेम होगी और तीसरी मिसाइल की भी क्या होगी, सेम, और तीनों इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यस सर, 1/8। क्लियर है, यस सर। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, आ रही बात समझ में। यस सर, ओके। यहाँ तक समझ में क्या? यस सर, यस सर। इसको करो,
इवन इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन कैसी कही थी? इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन सर, इंटरसेक्शन वो मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, आप करो सॉल्व। ये इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इंडिपेंडेंट है। अब गिवन डेटा उसको प्रॉपरली उतारो सर। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है? इक्वली लाइकली मतलब मैंने बस बताया था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल हो। यस सर, प्रोबेबिलिटी इक्वल। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर मान लो अलग अलग सब है इवेंट्स, उनके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। यस सर। हो गया। यस सर। ए यूनियन बी का होल बार गिवन है, तो ए यूनियन बी कितना होगा? अगर ये 1/6, 5/6 होगा। इंटरसेक्शन क्वेश्चन में गिवन है 1/4, ए बार की गिवन है 1/4। अगर ए बार 1/4 है तो ए कितना होगा? 3/4। अब यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। यस सर, ताकि बी के बारे में भी पता चल जाए। यूनियन का क्या हो जाएगा? ये पता करो कितना आ रहा है। वन बाय टू जगह के माइनस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 2/6, 1/3। चेक करो। यस सर, 1/3। अब इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या देखना है सर? पी ए इनटू पी बी इंटरसेक्शन के बराबर है या नहीं? हाँ, तो देखो इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4। पी ए इनटू पी बी किसके बराबर निकाल लेते हैं। पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी कितना आ रहा है? पी ए कितना है? 3/4। इनका प्रोडक्ट 1/4। तो मतलब इंडिपेंडेंट। जब इंटरसेक्शन फाइव हो। और एग्जॉस्टिव मतलब सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो। यस सर, करो ट्राई। लास्ट टाइम समझ नहीं आया सर, दोबारा से करवा दोगे सर? कौन सा वाला? होने जरा लास्ट कितना सी सर? हाँ एक मिनट, बाकी लोग तब तक ये क्वेश्चन उतार लो, करो। बाकी लोग क्वेश्चन उतारो, ट्राई करो, मैं तब तक लास्ट वाला समझाता हूँ। उतार लिया क्वेश्चन सबने? यस सर। जस्ट अब देखो, यहाँ क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया हुआ था, पूछा था कि इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। इंडिपेंडेंट को चेक करने का तरीका क्या होता है? कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट कब होता है? जब उसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी इसके बराबर आ जाए। इंडिविजुअल प्रोडक्ट की अगर बराबर आ जाती है, मतलब ये मान लो एलएचएस है या आपका आरएचएस है, ये दोनों चीज अगर आपस में इक्वल है तो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा।
अब इंटरसेक्शन तो दिया हुआ था, पी ऑफ ए भी निकाल लेंगे, लेकिन पी ऑफ बी निकालना था, तो पी ऑफ बी निकालने के लिए गिवन डेटा को यूज किया, समझ में आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये पार्ट तो पता है मुझे। पी ऑफ ए, यहाँ से पी ऑफ ए आ जाएगा, पी ऑफ ए बार कितना दिया हुआ है 1/4, तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 - P of A, ए बार आया ना? Yes, sir. तो ये आ जाएगा 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, तो ये भी पता है। अब पी ऑफ बी निकालना है, तो पी ऑफ बी निकालने के लिए एक और डेटा क्या दिया था, यूनियन वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार दिया हुआ था 1/6, तो होल बार अगर 1/6 है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 - 1/6, यस सर, 5/6। अब यूनियन पता है, इंटरसेक्शन पता है, ए पता बी आ जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला। यूनियन कितना गिवन है 5/6, पी ऑफ ए कितना गिवन है 3/4, पी ऑफ बी निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 1/4, इसको सॉल्व करोगे इधर उधर भेजोगे तो पी ऑफ बी की वैल्यू आ रही थी 1/3 के बराबर, क्लियर है? 1/3 आ गया है ना? यस सर। आप इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए एलएचएस आरएचएस निकालेंगे, एलएचएस में क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी है ना? यस सर। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4 के बराबर है। अब आरएचएस निकालते हैं, आरएचएस में क्या है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आया ना? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो ये 1/3, प्रोडक्ट कितना रहा 1/4, बोलो। प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 आ रही है तो क्या एलएचएस आरएचएस बराबर है? यस सर। एलएचएस आरएचएस इक्वल है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी P of A into P of B के बराबर आ रहा है, मतलब इवेंट कैसा होगा, इंडिपेंडेंट, इवेंट कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, कहां गया? Therefore, A and B are independent. अच्छा, equally likely कब होता, जब A और B की probability equal होती है, अब probability of A is not equal to probability of B, therefore not equally likely, clear है? हाँ जी, clear। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब लग क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है बी के बराबर, स्मॉल बी, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है ट्वाइस ऑफ पी, पूछा था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, सच दैट क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है एग्जैक्टली वन ऑफ द ए और बी अगर, exactly one of A or B occur, इसकी probability given है 5/5। अब सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि ये exactly one of the A or B occur, इसमें ये कौन सा region होता है, जैसे मान लो वापिस मैं Venn diagram को चार हिस्सों में divide करता हूँ, ये event A मान लो, इसी में event B बना दिया, इवेंट ए इवेंट बी, और इसको मैं पूरे डब्बे को चार हिस्सों में बांट सकते हैं, ओनली ए वाला पार्ट ये, ओनली बी, ए इंटरसेक्शन बी और बचा हुआ बी, ये तो पता है ना, बताया था। यस सर। यस सर। मुझे ये बताओ एग्जैक्टली वन, या तो आप ए आए या तो फिर बी आए, लेकिन एग्जैक्टली वन ही आना चाहिए, तो कौन सा पार्ट आएगा इसमें से, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी है ना, क्योंकि देखो ये ए वाला मतलब क्या है, ओनली ए अकर, और बी वाला मतलब क्या है, ओनली बी अकर, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, इसमें क्या आएगा, एग्जैक्टली वन ऑफ द ए और बी आया ना? यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी की बने, 5/9, एग्जैक्टली वन, मतलब या तो ए अकेला या तो ए बी अकेला, तो ये कौन से फेवरेबल है, ए प्लस बी। अच्छा पूछिए कि पी की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है? अच्छा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्मॉल पी के बराबर है, ये स्मॉल पी का मतलब क्या है, ए पूरे एक सर्कल की वैल्यू। यस सर।
तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा ए ए बी सी डी में से, ए प्लस सी, ए प्लस सी होगा, बताया तो था। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, सी प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, हाँ है ना। यस सर। बी में क्या क्या आ रहा है, बी और सी तो यार है नहीं, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है, आ रहा है सर। ठीक है, अब आपके पास ये कंडीशंस है, ए प्लस सी पी के बराबर है, बी प्लस सी टू पी के बराबर और ए प्लस बी फाइव बाई नाइन के बराबर है। तो आपको पूछा है कि पी की लार्जेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, अब ट्राई करो। P की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, थोड़ा सा सोचो इनको कैसे आपस में इक्वेट करें। अच्छा ये इंडिपेंडेंट है, इसका यूज हमने नहीं किया ना, है ना, ये भी तो लाइन लिखी है, इसका यूज क्या होगा, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर, हाँ सिंस इंडिपेंडेंट हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी के बराबर। यस सर। अब ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन के हिसाब से क्या, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से आपको सी पता चल गया। और देखो एक इक्वेशन तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये आ गई, आई मीन चारों को यूज करके पी में रिलेशन डेवलप करना है, क्या करें बताओ। और सी भी अपन ने निकाल लिया इक्वल टू थ्री पी, यहाँ से पी में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, यस सर, फोर पी स्क्वायर माइनस थ्री पी प्लस फाइव बाई नाइन इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके पी की दो वैल्यू निकाल लेना, उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो रहा, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन बस डेटा को ढंग से उतारोगे ना तो चीजें आसानी से दिख लेगी। एग्जैक्टली बोला था तो ए प्लस बी फाइव बाई नाइन आएगा, पी ऑफ ए दिया था तो ए प्लस सी, पी ऑफ बी भी आया बी प्लस सी, और इंडिपेंडेंट था वो उसका यूज करना तो तुम्हारे सी की वैल्यू आ गई। अब सी पता है तो सी देखो, यहाँ पे सी रखोगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए और बी को यहाँ रख देना, इन चारों इक्वेशन को यूज करके पी में क्वाड्रेटिक बन गई, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके पी की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर आ रहा है। यस सर। चलो ये करो,
सर माइक ऑफ है आपका, अभी बोल नहीं रहा एक्चुअली, सिर्फ लिख रहा हूँ। ओके सर, आप लोग लगाओ दिमाग। तीन गेम खेले, मान लो गेम वन, गेम टू, गेम थ्री, उसमें से एग्जैक्टली दो गेम राम जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है और ये गिवन डेटा है, तो क्या क्या केसेस बनेंगे सोचो और निकालो आंसर। बहुत सारे बनेंगे केसेस, केसेस होते हैं इसको। सर दो केसेस बनेंगे, उन्हें तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो कैसे बनेंगे सर? तो तीसरा बचा है वो, एक तो या तो टाई हो या लूज हो। ऐसे जरूरी थोड़ी कि मान लो आपने सिर्फ दो ही केस हुई ने गलत, तो फिर थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दिया ना बाद में। अच्छा win win loss win win tie loss win win tie win 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 loss win win tie win है ना? Yes sir, yes sir, yes sir. सोचो कि ये लॉस जो है या तो थर्ड में हो, फर्स्ट में हो, बीच में हो। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो निकालो सर, 3/8 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसी एक की निकाल लेते हैं, विन विन लॉस की क्या होगी बताओ। और 3/40 विन विन लॉस। हाँ देखो, विन हो 0.5 × 0.3 है ना? यस। विन विन टाई 0.5 और 0.2 आया ना? यस सर। अब देखो बाकी जगह भी तो यही होगा, लॉस विन विन 0.3 × 0.5, लेकिन होगा तो प्रोडक्ट इन तीनों का ही। यस सर, ये सारी चीजें तीन बार ऐड है, तो इन दोनों का एडिशन करके आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ऐसे और भी ये सारे के 6 केस ऐड होंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 3 × 0.25 × 3 कितना होगा? 0.25 × 0.3 था। हाँ, और ये भी 0.25 × 0.2। ये कितना आएगा बताना? 0.075 और ये कितना होगा? 25.25। कुछ गड़बड़ कर देंगे मैंने। अच्छा 0.05। हाँ 0.075 आएगा। तो यहाँ पे 0.05 सर। क्लियर है? जैसे मैं निकाल लेना, निकाल लोगे? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या था कि जो केसेस बने उसमें जो स्टार्टिंग के दो केस वो सेम ही थे, तो उनका एडिशन ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो इसको ट्राई करो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी आने वाला है, पता है ना?
यस सर। टेस्ट मैच अगर अपन हार गए तो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में से बाहर। क्वेश्चन समझ में आया? टोटल चार मैचेस से टूर्नामेंट कब जीतेंगे? जब एटलीस्ट तीन मैच वो जीत जाए, है ना? यस सर। तो क्या क्या केसेस बनेंगे बताओ? चार में से तीन जीत जाए क्या क्या हो सकता है? एक लॉस का केस सर। थ्री विन वन लॉस और थ्री विन वन टाई और फोर विन और फोर टाई हो जाएगा तो फिर कहां से टूर्नामेंट जीतेंगे? कम से कम तीन जीत तो चाहिए ना, है ना? यस सर। इतने देखते क्या? बिल्कुल क्लियर है? यस सर ध्यान नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तीन ही केस बनेंगे कि और कुछ भी बचा है? बोलो। तीन ही फिर तो सर, तीन ही। थ्री विन वन लॉस, थ्री विन वन टाई और फोर में। अब मुझे ये बताओ, तीन विन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.0648। तीन विन 0.6 का होल क्यूब
वन लॉस 0.3 है ना? यस अच्छा, पर ऐसे तीन विन वन लॉस वाले केस फोर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ फोर चार होंगे, बोलो। सर ये कैसे करते हैं, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे लॉजिक है ना, मान लो सीक्वेंस भी तो मैटर करेगा। आपको तीन विन चाहिए तो हो सकता है तीन मैच शुरू के जीत गए, हो सकता है पहला लॉस हो जाए, बच्चे भी तीन हारे, मतलब बेसिकली एल को चार जगह रहता है। या फिर ऐसा सोचो तीन विन वन लॉस वाले केसेस कितने बनेंगे, चार में से थ्री डब्ल्यू वन एल को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल। यस सर है ना, बोलो। यस सर पहला विन दूसरा लॉस विन विन, एक केस क्या बन जाएगा, ये चार केस बनेंगे ना, या तो पहला लॉस हो जाए, दूसरा लॉस हो, तीसरा लॉस है, चौथा लॉस, ये चार केस, इन चारों का एडिशन मतलब सारे का आंसर तो सेम है तो चार से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर तीन विन वन टाई 0.6 का क्यूब इनटू 0.1 मल्टीप्लाई में इनटू 4 अगेन वो सेम है ना, टाई का भी क्या होगा, विन 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 टाई। अब टाई या तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चार जगह आएगा। यस सर चारों विन हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 की पावर 4 अब एक ही तरीका होगा। यस सर इसका मल्टीप्लाई बाय, क्लियर हो गया आपको? यस सर। और ये मैंने निकाला ना चार कैसे आए, तो चार ऐसे आएंगे, WWL को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? यस सर कितने बात, चलो लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन को लो, फिर क्लास करेंगे।6/11 हाँ देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ए एंड बी throw die alternatively, one of them get 3 and wins the game. तो 3 आने पे game win हो जाता था, ये cases क्या क्या बनेंगे ये बताओ पहले। सर पहले win पे ही वो जीत जाए। हाँ
अब देखो ए को जिताना है, ए कब जीतेगा, जब ए थ्रो करे और तीन आ जाए, एक पॉसिबिलिटी है ना, बोलो यस सर। दूसरा केस क्या बन सकता है, ए कब जीतेगा, जब मान लो ए थ्रो करे तीन आए, तीन को छोड़ के सब कुछ आ जाए, तीन ना आए, मतलब ऐसा लिख देता हूँ, बी भी थ्रो करे तो तीन ना आए और फिर ए थ्रो करे तो तीन आ जाए, दूसरा केस ये बनेगा। यस सर। ना देखो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, अगर आपने समझ के इसको ऐसा बना लिया ना तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व अपने आप हो जाएगा। एक कोई भी जीतेगा कब, जब तक तीन आ जाए, तो तीन या तो पहली बार में आ जाएगा, मान लो एक 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 ही बारी आई, बी की बारी आई, फिर वापस एक ही बारी में तीन आ जाए, क्योंकि ए को जीताना है। ए कब विन करेगा, अब तीसरा केस बताओ क्या होगा, सर पांचवी बारी में वो जीते। हाँ, एक ए ने थ्रो किया तीन नहीं आया, फिर बी ने थ्रो किया फिर तीन नहीं आया, फिर ए ने थ्रो किया फिर तीन नहीं आया, अब उनको जिताना एक हो तो लास्ट में हमेशा ए आना चाहिए ना, जिताना एक हो, और बी ने थ्रो किया जब ए ने थ्रो किया तो तीन आ गया, तो फिर ए जीत जाएगा, फिर गेम रुक जाएगा। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो ये होगा या तो ये, और ऐसे करते करते इनफिनिट तक जाएंगे। यस सर। यस सर। तो ये पहले वाले का आंसर क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट ए थ्रो करे थ्री आ जाए, थ्री क्या है 1/6 या तो ये हो जाए, या फिर सेकंड में थ्री ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 वापस से बी के थ्री ना 5/6 इनटू 1/6 क्लियर है। यस सर। यस सर। अगले वाले में देखो, नॉट वाले, नॉट वाले कितने हैं, चार, चार 5/6 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 तो फिर तो अगले वाले में देखो, यहाँ पे वापस यहाँ पे देखो, एक केस, तीन केस, पांच केस, फिर सात आएंगे, सात केस में 5/6 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 ऐसे जाता जाएगा, तो एक तरह की इनफाइनाइट जीपी है ये। यस है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद है, a upon 1 minus r. Yes. A first term 1/6 common ratio. 1/6. 5/6 common. 1 minus 5/6. देखो इसमें इस यहाँ से यहाँ आने में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5/6 को होल स्क्वायर ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है. First term से second term में. Yes sir. Yes sir. और यहाँ से यहाँ आने में ऑफिस 5/6 को होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो r कितना हो जाएगा? Yes, r निकालने के लिए second term को first term से divide कर दो. लेकिन इसके पहले जो जो चीजें मैंने बता दी है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इससे क्वेश्चन आए तो कंपेरेटिवली वो इजी मीडियम लेवल का आएगा, अगर आया तो हो जाएगा, टफ ज्यादा है तो छोड़ दे। अब इससे रिलेटेड मॉड्यूल में या क्या होमवर्क है वो मैं आपको होगा तो ग्रुप पे भेज दूंगा, या फिर आप एक बार मॉड्यूल देख लेना। आ रही बात समझ में? ओके सर। यस सर। अब कल जो ओपन सेशन होगा ना 5 बजे है ना? यस। यस सर। वो अटेंड कर सकते हो सब लोग? यस सर। ठीक है, उसमें या तो आगे का पोर्शन कराएंगे या फिर होगा तो मंडे को देखते हैं या फिर अगले वीक में देखेंगे, क्लियर, मैं बता दूंगा आपको, या फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके फिनिश कर दूंगा चैप्टर। ठीक है। ओके सर। ओके sir. Okay then, thank you, bye bye, good night, take care. Thank you sir. Good night sir, bye sir. Bye.